अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ खालिद जतोई। नाजरीन, आपने बिल्कुल ठीक देखा, इस वक्त हो रहा है फ़िश पेडिक्योर और मैं मौजूद हूँ रनीकोट के किले में। जी हाँ नाजरीन, इस किले के बीचों बीच खूबसूरत आबशार और उन आबशारों से बनते चश्मे, खूबसूरत सफ़ेद चट्टानों के बीच ये बहते हुए चश्मे जाते हैं हरे और नीले कलर के शफाफ पूल्स में। जी हाँ नाज़रीन, हैदराबाद से तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पर मौजूद ये रनीकोट का किला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और शानदार है। नाज़रीन, इस जगह पर जहाँ पर आपको ये पूल्स नज़र आ रहे हैं, इसको परियों का तड़ या फेरी बात कहा जाता है। किसी ज़माने में लोगों का कहना है कि यहाँ पर परियां बात लेती थी। जी हाँ नाज़रीन, क्लियर एंड क्रिस्टल वाटर, साफ शफाफ पानी के ये चश्मे इस जगह पर मौजूद हैं। और नाज़रीन, ये पानी ना ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है। इस जगह से ट्रैकिंग करता हुआ मैं इन चश्मों के साथों साथ किले की बिल्कुल ऊंची जगह पर जाने की कोशिश करता हूँ। खूबसूरत चश्मों के साथ ये ट्रैकिंग अपनी मिसाल आप है। नाज़रीन, किले की दीवारों के बिल्कुल साथ खीरथर पहाड़ों की ये सीरीज़ जिस पर सुनहरी घास, जंगली फूल और जंगली चेरियां मौजूद हैं, आप इनका नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सैकड़ों सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद और कुछ ट्रेकिंग करने के बाद मैं परियों के तड़ या फेरी बात से बहुत ज़्यादा दूर और ऊंचाई पर आ गया। जहाँ से चारों तरफ आप किले को देख सकते हैं। इतने ऊंचे पहाड़ के आसमान से आप बातें करने लगते हो। आराम करने के लिए बहुत ही खूबसूरत और सुकून वाली जगह। नाज़रीन, ऐसी जगह पर बैठकर पूरी वादी का नज़ारा आपको हील करता है। किले के बीचों बीच अलग अलग जगहों पर ये सेंटर पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप काफ़ी सुकून हासिल करते हो। दुनिया से दूर कुदरत के बीच बहुत ही पुरसकून और आरामदेह जगह। नाज़रीन, हैदराबाद से दादू जाते हुए इंडस हाईवे पर तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पर ये देखिए ज़रा, मोटरसाइकिल पर पीछे बंदर। जी हाँ नाज़रीन, रास्ते में मुझे ये इंसान और उसका बंदर साथ ही मिला।
मुख्तलिफ़ खूबसूरत रास्तों और चश्मों, छोटी छोटी नदियों से गुज़रते हुए आप लोग इस रनीकोट के फोर्ट की तरफ पहुंचते हैं। नाज़रीन, कभी कभार ज़्यादा बारिशों में रनीकोट फोर्ट के रास्ते कुछ मुश्किल हो जाते हैं, जहां पर आपकी गाड़ी फंस सकती है, लेकिन इस एडवेंचर, थ्रिल और सस्पेंस के पास आप एक ऐसी खूबसूरत वादी में आ जाते हैं कि आप यकीन भी ना करेंगे कि ये सिंध पाकिस्तान का इलाका हैदराबाद के सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 घंटे के फासले पर दुनिया का सबसे बड़ा किला रनीकोट का किला मौजूद है। जी हाँ नाज़रीन, वाइल्ड लाइफ और रेप्टाइल्स, स्नेक्स, बर्ड्स और ख़ूबसूरत आवाज़ों और परिंदों के साथ, नेचर के साउंड के साथ अपने आप को हील करने की, अपने आप को ट्रेकिंग करके फिट रखने की ये बेहतरीन जगह है। फैमिलीज, स्टूडेंट्स और बूढ़े बच्चों सब के लिए सेफ एंड सिक्योर। कभी भी किसी इंसान को इस इलाके में नाज़रीन कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। आप कभी भी आएँ, कैंपिंग करें, रहें, यहाँ पर गेस्ट हाउस मौजूद है, रूम्स अवेलेबल हैं, बेहतरीन फूड मौजूद है। नाज़रीन, कहा जाता है कि ये जो रनीकोट का किला है, ये कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक, कुछ हिस्टोरियन के मुताबिक कि ये ग्रीन पीरियड से बना था, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बनवाया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है। उसके बाद कुछ हिस्टोरियन का कहना ये है कि ये तालपुर दौर का है, तो तालपुर दौर का मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रीसेंट है और तालपुर्स ने इतना बड़ा किला इस वीरान जगह पर क्यों बनवाया। जबकि ज़्यादातर मुहक्किकीन और जो मुझे लगता है उसके मुताबिक ये किला ईरान के बादशाह या ख़ानदान, जिसे सासानी ख़ानदान या नस्ल कहा जाता है, उन्होंने ये किला बनवाया था। नाज़रीन, इस किले के बीच ये खूबसूरत और शफाफ पानी से भरे पूल्स जिनमें आप नहा सकते हैं। नाज़रीन, एक और भी इस किले से मुतलक कहानी है, जिसमें बताया गया है कि किसी बादशाह ने अपनी ईरानी बेटी के लिए ये किला बनवाया था। और नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा ख़ज़ाना इस रनीकोट के किले में कहीं पोशीदा है, और जब वो कोई तलाश कर लेगा तो वो दुनिया का सबसे बड़ा ख़ज़ाना होगा। लेकिन नाज़रीन, इतनी वीरानी में, इतनी दूर, बिल्कुल पहाड़ों के बीच इतना बड़ा किला इंसान को बिल्कुल परेशान करता है कि ना जिसके करीब कोई आबादी, ना कोई इंसानी फॉसिल, ना किसी एनिमल का, तो ये किला क्यों बनाया गया, वजूहात क्या थी और किस ने ये किला बनवाया, इतना बड़ा किला बनाने की वजह क्या थी, ये वो सवाल हैं जिनके हमें अभी तक जवाब तलाश है। नाज़रीन, अगर आप रनीकोट का किला घूमने आते हैं तो आप रनीकोट के किले में इन होते ही मेरीकोट के किले पहुंचते हैं, जहां बादशाह का घर होता था। ये मेरीकोट का किला है, जहां पर गेस्ट हाउस, होटल्स और काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अगर आपने नेचुरल पूल्स देखने हैं, आपने नाज़रीन ट्रैकिंग करनी है और फेरी बाथ की जगह पर जाना है, तो फिर आप सीधा एक गांव से गुज़र कर इस फेरी बाथ की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ों के बीच
ये किला सन शहर के करीब वाक़े है। नाज़रीन, मैं अपने ग्रुप के साथ कुछ दिनों में रनीकोट के किले का ट्रिप बनाने जा रहा हूँ, डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। इस दफ़ा फ़रवरी में 2023 में असर मुर्जा अंसारी, मोहम्मद अली नूनारी, खालिद जतवई और हामिद राजपर के साथ हम लोग डिज़ाइन करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत ट्रिप, जिसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।